दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय हिंद न्यूज। महाराष्ट्र में शिवसेना के सांसद संजय राउत और साथ में ही राज ठाकरे को लेकर अभी अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। शिवसेना के सांसद संजय राउत के बारे में आप सबको पता ही होगा कि आए दिन ये कुछ न कुछ ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जिसकी वजह से महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा बवाल मचता ही मचता है। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कल्याण ग्रामीण विधायक राजू पाटिल के दीवा संभागीय कार्यालय का उद्घाटन करने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे जो है पहुंचे थे और इस मौके पर उन्होंने वहां पर नितिन सरदेसाई, अभिजीत पांसे, अविनाश जाधव, तुषार पाटिल समेत कई अन्य नेता वहां पर मौजूद थे। मनसे अध्यक्ष ठाकरे ने उस टाइम जो है संजय राउत की मिमिक्री की थी और संजय राउत की मजाक उड़ाया था और उनकी जो है आलोचना की थी। अब इसी का जवाब देते हुए संजय राउत ने कुछ दिनों पहले राज ठाकरे के ऊपर कमेंट किया था, जहां पर उनके द्वारा बोला गया था कि हमारी राजनीति मिमिक्री पर निर्भर नहीं करती, हम ईडी के सामने जो है चुप नहीं रहते, हम ईडी की द्वारा जो फालतू और झूठी कार्रवाई की जाती है उस पर सवाल उठाते हैं और उसके सामने खड़े रहते हैं, तो आप जो हमारी मिमिक्री कर रहे हो उससे फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि मिमिक्री से जो है राजनीति नहीं चलती, इनके द्वारा ये सवाल उठाया गया था। लेकिन अब इस बात का जवाब देते हुए राज ठाकरे ने संजय राउत के ऊपर निशाना साधा है और राज ठाकरे ने सीधा सीधा संजय राउत को जवाब देते हुए बोला है कि अगर आप किसी के ऊपर निजी तौर पर बात करते हैं, किसी को लेकर बात करते हैं, तो इससे पहले आपको निजी तौर पर बोलने का अभ्यास करना चाहिए। मतलब कि संजय राउत को एडवाइस दी गई है राज ठाकरे के द्वारा कि अगर आप जो है किसी के ऊपर कोई कमेंट करते हैं तो उससे पहले आप निजी तौर पर बोलने का अभ्यास करो क्योंकि आपको जो है बोलने का तरीका नहीं पता है। मतलब कि संजय राउत के ऊपर सीधा सीधा निशाना साधा गया है राज ठाकरे के द्वारा। आप सबको पता ही होगा कि संजय राउत अलग अलग तरीके का स्टेटमेंट जो है आए दिन देते रहते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए अब जो है राज ठाकरे ने उनको एक एडवाइस दी है कि आप जो है किसी के ऊपर कुछ बोलने से पहले निजी तौर पर अभ्यास कर लो क्योंकि आपके द्वारा बोली गई बातें जो हैं ऑलवेज कुछ ना कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं जिसकी वजह से बवाल मचता है। बाय द वे, आपका क्या ओपिनियन है राज ठाकरे के द्वारा दिए गए इस रिप्लाई पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।